जी, आपको पता है म्यूजिक हम हिंदुस्तानियों की रग रग में बसा है। बिल्कुल। लेकिन इसे बनाने में बड़ी मेहनत जाती है, और खास तौर पे जो लिरिक्स राइटर होता है। हाँ। और कभी कभी तो लिरिक्स राइटर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो ऐसे वर्ड डाल देता है, सिंगर के भी पल्ले नहीं पड़ते कभी कभी। अच्छा, लिरिक्स से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं होता तो जैसे होते वैसे डाल देता है। उसको पता है जब हिट है गाना तो कौन पूछेगा। लेकिन अगर आप कभी छोटे मोटे बार में जाओ, अर्चना जी, आप देखना सिंगर वहां पे कोई तड़कते भड़कते गाने नहीं गाते, क्योंकि उनको पता है ऑडियंस भी वैसी है। शट्टी बार यानी रेस्टोरेंट पी के बैठे हुए हैं, उनके गाने भी फिर वैसे होते हैं कि सारे दिल टूटे वाले बैठे हैं, काम धंधा है नहीं, होता तो कहीं जाके फाइव स्टार में बैठे होते। और यही सिंगर जब कॉर्पोरेट इवेंट्स में चले जाते हैं ना, वहां पे इनकी गजलें बदल जाती हैं, इनके गाने बदल जाते हैं। ये पहले तो मेन उसको देखते हैं कि बॉस कौन है, क्योंकि वहीं से पेमेंट आनी है। शाम को दो पैग लगाने के बाद ना, जो बड़ी उम्र का बॉस होता है वो फिर नई रीत को अमर करने के चक्कर में घूम रहा होता है। गजल वालों का ग्रुप ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 4-5 लोग होते हैं। वहीं आप कवाली वालों का ग्रुप देखो, 20-25 लोग होते हैं। इनके शोज इसीलिए कम लगते हैं, इनका इतना पेमेंट नहीं होता जितना इनका पर प्लेट खर्चा आ जाता है। आधी बरात से ज्यादा खाना खा जाते हैं। इनमें से 25 में से 15 लोग तो पीछे ताली बजाने के लिए आए होते हैं। कवाली वालों को पता होता है कि ऑडियंस ताली बजाए ना बजाए, हम अपना माहौल लेके चलते हैं साथ में। आज हमारे सेट पे भी पार्टी होने वाली है, आप ग्लास और बर्फ लेके ना आ जाना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमारे सेट पे पार्टी जैसा माहौल बनने वाला है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे जो मेहमान आ रहे हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री के वो लोग हैं जो हर पार्टी की जान होते हैं, और आज ही अपने एक और नए सॉन्ग डिजाइनर को लेके यहाँ पे आ रहे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम यो यो हनी सिंह एंड गुरु रंधावा। जोरदार तालियां मेरे दोनों रॉक स्टार भाइयों के लिए। वेलकम हनी बाजी, वेलकम गुरु। और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई, गुरु लड़कों के साथ भी आता है। मुझे लगा था नोरा के बिना घर से नहीं निकलते आप। दोनों बड़े हैंडसम लग रहे पाजी। थैंक यू पाजी, मजा आ गया आपको देख के। थैंक यू पाजी, क्या डॉले शॉले बनाए हैं। बस कोशिश लगी हुई। अच्छा है। ये खाली इनके जूते के फीते भी देखो, इसके बाइसेप देखो आप। ये हमने खाली एक मंजी तोड़ी है, फिर इसके नीचे चार मंजी तोड़ी है। और बड़े हैंडसम लग रहे पाजी दोनों, वाह क्या बात है पाजी, इतने फिट लग रहे हो आप। तो पूरा फोकस गानों पे, फिल्म मिलने की तैयारी चल रही कोई? नहीं नहीं भाई, फिल्म की तो भाई बिल्कुल भी नहीं, वो एक्टिंग मेरे बस का काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो गानों में आप इतना मजेदार करते हो यार, वो भी तो एक्टिंग। गाने हम लोग खुद लिखते हैं, खुद वाइब होती है, खुद थॉट होता है, लेकिन एक्टिंग में आपको एक कैरेक्टर बनना पड़ता है, जो मैंने 2-3 फिल्में करी सुपर फ्लॉप गई, तो उससे भी रिलेटेड कहानी है, आपको बाद में बताऊंगा। बताओ भाई, बड़ी मजेदार सी कहानी है। वैसे तो गुरु भाई भी पिक्चर करने वाले हैं अभी। अच्छा। मैंने पाजी 2011 में एक पंजाबी फिल्म करी मिर्जा गिप्पी भाई के साथ जी, तो मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था उसके अंदर, तो मैं पूरा तैयार सूट वूट पहन के मफलर मफलर टांग के कनाडा पहुंच गया कि यार ये इंटरनेशनल मूवी शूट हो रही है तो इसमें कुछ करना है मुझे। तो उन्होंने बोला आपका कैरेक्टर ये गैंगस्टर है और एक जर्नलिस्ट है, तो वो आपके खिलाफ कुछ छापता है, तो आपने उसको गोली मार के बोलना है कि मित्र को इतनी बार बोला कि हमसे पैसा ले ले, हमारे पास पैसा खत्म नहीं होता, तो पैसा क्यों नहीं लेता, तो मरो। मेरे साथ दो लड़के होते हैं साइड में और आगे कैमरा लगा होता है। अच्छा। लेकिन भाई वो ना जब उन्होंने कैमरा लगाया, उन्होंने आगे एक शील्ड लगाई। अच्छा। और जो गन थी वो प्रॉपर गन थी, उसमें से बुलेट ही निकलती, लेकिन आवाज वही बरकरार थी। तो जब आपको बहुत सारा पटाखा सा सुनो तो आपकी आवाज कम हो जाती है। तो गया मैंने कहा कितनी बार तुझे बोला हमारे पास इतना पैसा है, ले ले आग लगाए खत्म नहीं होता, पर नहीं मरो। ताड़ गोली चलाई मैंने और सीटी बज गई मेरे कान में, और मैं कैसे बोल रहा हूँ मर गया। और वो साथ में लग रहा नहीं मरा नहीं मरा, दौड़ 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 मर गया, हाँ मर गया, मरता हूँ आदमी उसे देखा। ये हुआ था मेरे साथ पहली बार। हेलो पाजी, मैं फिर अपनी फिल्म रहने नहीं दवा। नहीं नहीं तुसी नहीं नहीं पाजी, एक ही बोली ना चलाना बस। हनी पाजी ना जो भी करते हैं कमाल करते हैं, इन्होंने लुंगी डांस इतना फेमस कर दिया, जिनके पास लुंगी नहीं भी ना बीवियों की साड़ियां पहन पहन के नाच रहे थे। पाजी आप कभी ऐसे लुंगी लेने जाओ तो आपको डिस्काउंट मिलता है? मैं कभी लेने नहीं गया वैसे। अच्छा, लेकिन अगर लेने जाऊंगा तो मुझे लगता है एक आधा थान फ्री में दे देंगे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है लुंगी। जब मेरे को शाहरुख भाई ने मौका दिया है गाना बनाने को, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक पंजाबी गाना चाहिए, तो मैं कहा सर पंजाबी गाना तो मैं नहीं बनाऊंगा, तो मैं कुछ वो बनाऊंगा जो आपकी फिल्म से रिलेटेड होगा। फिर उन्होंने मुझे 2.5 घंटे बैठ के पूरी फिल्म की स्टोरी सुनाई, उन्होंने मुझे घर बुलाया था,
तो मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं गाना बनाता हूँ. फिर मैं मॉरिशस चला गया, मेरे दिमाग में आइडिया आया लुंगी डांस. तो मेरे साथ लिल गोलू था, तो मैंने लुंगी लोलू को बोला, कहता भाई इतने परेशान क्यों हो रहे हैं. मैं कहा मुझे शाहरुख भाई के लिए गाना बनाना है चेन्नई एक्सप्रेस के लिए, समझ में नहीं आ रहा. कहता क्या नहीं समझ आ रहा. मैं कहा मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मतलब लुंगी डांस. कहता भाई लुंगी डांस, कहता दिस इज द टाइटल. सो आई रोट द सॉन्ग, आई मेड द होल सॉन्ग. देन मैंने करीम भाई को फोन किया जो शाहरुख भाई के दोस्त हैं. तो मैं कहा भाई कि गाना बन गया है. तो कहते हाँ भेजो. मैं कहा जब बनवाना था तो घर बुलाया, अब जब बन गया तो मेल करो. तो मैंने कहा शाहरुख भाई का टाइम लो, मैं आके सुनाऊंगा. अच्छा. फिर मैंने जाके गाना सुनाया, फिर उनको पसंद आया, फिर उन्होंने मेरी किस्मत खोली. वाओ. और दुकान चल गई थोड़ी. क्या बात. वाओ. गुरु, हालांकि हम लोग बड़ी देर से सुन रहे थे आप और हनी पाजी कोलैबोरेट कर रहे हो, तो काफी टाइम लग गया आपको. क्या आपस में आपकी डेट्स नहीं मिल रही थी, कि आप किसी के साथ डेट वेट कर रहे हो? किस के साथ? नहीं, गाना हमने लॉकडाउन में तैयार करा 2020 में. अच्छा. उससे पहले मैं भाई का ऑलवेज फैन हूँ. फ्रॉम डे वन टिल द डे एंड्स मैं हमेशा भाई का फैन हूँ और रहूँगा. और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई के साथ मैं गाना कर रहा हूँ. क्या बात. तो गुरु से और हनी पाजी से और भी बातें करेंगे. अब वक्त है डिजाइनर सॉन्ग में परफॉर्म करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस को यहाँ पे बुलाने का. प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल दिव्या खोसला कुमार. जोरदार तालियां दिव्या जी के लिए. दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. बहुत प्यारी लग रही हैं आप. थैंक यू. मरमेड लग रही हैं आप. भाई रोड आएंगे तैर के आई आप आज. बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं. भूषण जी के साथ मेरा प्यार ना होता, मैं और 4-5 फ्लर्ट करता आपके साथ. आपके घर में भी बीवी है. हाँ. तो उनको भी ध्यान में रख लीजिए. घर मेरा अंधेरी वेस्ट में, यहाँ गोरेगांव वेस्ट है. नहीं, दिव्या ये हमारी भाभी हैं. हाँ. और भूषण भैया हम बड़ा प्यार करते हैं उनसे. मेरा गाना भी आ रहा है अभी ना. अच्छा. इस सीरीज में डिजाइनर कपड़ों में तो ये हमेशा रहती है, इस बार डिजाइनर सॉन्ग में भी है. भाभी ये गाना सुना था आपने कि खाली डिजाइनर वर्ड सुन के आपने बोला ये तो मैं ही? गाना सुना था. एंड आई हैव टू से कि इतना अच्छा गाना अभी रिलीज हुआ है. और बोथ हनी एंड गुरु आर सो सो टैलेंटेड. सो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड लक फॉर मी दैट आई एम हियर विद देम एंड परफॉर्मिंग विद देम. दिव्या जी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है. हाँ. इसके बाद भी तो रिलीज करने गाने टी सीरीज पे. चलिए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका. प्लीज विराजमान हो जाइए. जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए. अच्छा, आप सबने देखा होगा हनी पाजी जब भी टी सीरीज के लिए कोई गाना करते ना, तो टीजर आता है या वीडियो आता है, उसके पे लिखा होता है भूषण कुमार मॉस्को माशूका बाय योयो हनी सिंह, भूषण कुमार फर्स्ट किस बाय योयो हनी सिंह. तो भूषण जी ने कभी कहा नहीं सारे मजे तो आप लेते हो, मेरे नाम पे बिल क्यों फाड़ते हो? आप बहुत ध्यान से पोस्टर पढ़ते हो. हम और क्या करें, हमें तो आप अपने गानों में लेते हैं, हम फिर पोस्टर ही देख देख के कुछ. कब आ रहा है? आपने तो बताया क्या आ रहा है. अरे कंपनी आपकी, आप बताएंगे हमें. गुरु बिजी बहुत है. हम पाजी करते हैं जल्दी. अगली बार मुझे लग रहा है मैं जब यहाँ पे आऊंगा शो पे, तो मैं जो कपिल भाई के साथ गाना वही प्रमोट करने आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा. गुरु आपके गानों में जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, आपके गानों की पावर है या उन लड़कियों से पावर मिलती है आपको? आपके गाने में कभी लड़कों को नहीं लिया आपने कोई? जैसे हनी पाई ने लुंगी डांस में कितने लड़के नचाए. हमारा भी मन करता है कि हम भी थोड़ा खुल के नाचे. लड़के को देख के कितना टाइम नाचोगे, देखो आप. ये शादियों में होता है, अगर लड़के लड़के जब तक नाच रहे होते हैं तो लगे होते हैं एक दो तीन, दो जाने लगे हुए, तीन जाने, जैसे लड़की एंट्री मारती है सारे वो शादी वाले आ जाते हैं, भाई मैं नाचूंगा. ये स्टेप करो. दिव्या जी आपने हनी और गुरु दोनों के साथ काम किया, दोनों में शरारती कौन है ज्यादा? गुरु. हाँ, आई थिंक गुरु ज्यादा शरारती है. दैट्स ट्रू. आई थिंक ये मेरे सामने ज्यादा सोबर रहते, बट ये मुझे मालूम है क्योंकि ये जब रिहर्सल्स भी हमारी हुई थी इस गाने की, तो ये खुद कोरियोग्राफ कर रहे थे स्टेप. अच्छा. और डिजाइनर गाने का पूरा स्टेप बना रहे थे. सो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक्साइटेड है, शरारती है, बिकॉज़ थोड़ा मिस्चीफ होना जरूरी है. गुरु दिखा दो कौन सा स्टेप तुम कोरियोग्राफ कर रहे थे. स्टेप दिखाओ ना डिजाइनर का. मैंने सिखा दिया है, मैंने खुद नहीं सीखा. अच्छा, यू वांट टू लर्न? नो नो नो, आई प्लीज अर्चना जी आपको सीखना तो आ जाओ, मजा आएगा, मैं भी आपके साथ हूं. आओ मैं. प्लीज अर्चना जी आपको सीखना. अरे इसी बहाने आपका पूरा वो वार्डरोब ये सब दिखेगा, ऐसे स्टेप जाएगा. वो जूते पहने हैं, हम सब करते हैं. हाय राम, मैंने माय गॉड.
अच्छा हमें साथ में जिन्होंने स्टेप सिखाना है उनको भी बुलाना पड़ेगा। किन्होंने सिखाना है? जो है ना लड़की आई हुई है पीछे। तू सिखाते सिखाते मर जाएगा, मैं नहीं सीख पाऊंगी, लेकिन चल आप सीखोगे। आपको पता है अर्चना जी जब पहली पहली बार आई थी ना फिल्म इंडस्ट्री में, तो एक बंदे ने इनको डांस सिखाया, मतलब उसने कोशिश की, हुआ नहीं, अब उसने रंग रोगन का काम शुरू कर दिया। हम डांस सीखेंगे। बुला सकते हैं उनको? हाँ बुला सकते। सो मैंने इनको स्टेप सिखाया जो अभी। अच्छा हाँ हाँ, और बाद में इन्होंने हम सबको सिखाया स्टेप, तो प्लीज एक बार। अच्छा आपने नाम नहीं बताया आपने? रूपाली। रूपाली आओ। सो तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? बेसिकली डिजाइनर पे हम सिग्नेचर देंगे यहाँ। अच्छा, सिग्नेचर करना। डिजाइनर पीछे आगे पीछे, फिर वापस डिजाइनर पीछे आगे पीछे। ये कब सोचती हैं ये सब चीजें आप? पहले मैं ऐसे करूंगी फिर ऐसे होगा। हम तो पीछे लड़कों को घुमा देंगे, पीछे आगे पीछे। छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं लेफ्ट हैंड हूं। अब इधर मैं ऐसे करके कर लूं? इधर हो जाओ। ठीक है। नहीं ये स्टेप तक आपको राइट में ही करना, क्योंकि आप सच में थोड़ा लिख रहे हो, यू जस्ट एक्टिंग। हां एक्टिंग कर रही हूं, पर स्पेलिंग ना गलत हो जाए। अरे चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। आप भी उल्टा जा रहा था, डिजाइनर के बाद तुम आगे कर रहे थे, मैं पीछे कर रही थी। ये कोई नई बात है? अरे चलिए चलिए, अर्चना जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। अरे यार लेकिन मैंने हील निकाल के तेरे पीछे भागना, मैं तुझे पकड़ लूंगी फिर। अर्चना जी के आउटफिट के लिए जोरदार तालियां, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रूपाली। थैंक यू रूपाली। अच्छा स्टेप आइए। दिव्या जी ने हाल ही में कहीं इंटरव्यू में बताया कि ये ना कभी कभी भूषण जी के कपड़े आर्टिस्टों को पहना देती थी। ओह, आपके मन में नहीं कभी आया कि यो यो हनी सिंह के कपड़े मैं भूषण जी को पहना दूं? और चैन मैन पहना के भूषण जी यो यो करते आए तो हरे भरे लगेंगे। कैप्सिकम। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट की थी डायरेक्शन और मैं म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट कर रही थी जी। और तब बजट एकदम मिलता ही नहीं था, बहुत कम बजट होता। आपको भी नहीं बजट नहीं मिलता था। That's true. तो मैं सोचती थी चलो ये कपड़े यूज नहीं हो रहे, मैं यहीं से ले जाती हूँ वार्डरोब से। अर्चना जी से सीखो फिर। अच्छा पति की छाती पे चढ़ के ऐसे ये आप इनसे क्लासेस लो आप। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, शादी में भी आनाकानी कर रहे थे, करते करते उन्होंने हाथ मरोड़ के ना फेरे लिए के तो चल आगे चल। ये बड़ी हैरानी हुई मुझे कि आपको भी बजट, मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ मैं बात। अच्छा मैं जब रैपर्स को स्टाइल को देखा है ना, सबका अलग स्टाइल होता है, उल्टी कैप, यहाँ से टी शर्ट फाड़ लेते हैं, यहाँ से पेंट फाड़ लेते हैं, भारी चैन, बॉडी पे कपड़ों से ज्यादा टैटू। भाजी ये जो रैपर होते हैं फॉरन के भी रैपर जो सब ये करते हैं, ये अपने मन से करते हैं कि इनको रात को सपने में कोई आता है इनको बोलता है कि ये पहनो आप? देखो उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन जहाँ तक फैशन है, फैशन वर्ल्ड वाइड है, तो इंसान को वही पहनना चाहिए जो उसको मजे आ रहे हो। और जहाँ तक टैटू का सवाल है, मेरी बॉडी में कोई भी टैटू नहीं है, लेकिन टैटू के पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। मुझे लगता है इंसान को वही पहनना चाहिए जो उसको समझ में आए। और चेन्स भी, अब मैंने दो चेने पहनी है, ये एक अमर सिंह चमकीला के नाम की और एक अपाची सर के नाम की। अगर अपाची इंडियन ना होते तो शायद मैं कपिल शर्मा शो पे ना बैठा होता। क्या बात है। तो उनसे मैंने रैप करना सीखा, समझा, मुझे पता लगा कि रैप होता क्या है। और अमर सिंह चमकीला के बारे में पूरे दुनिया को पता है कि वो इतने बड़े लेजेंड थे, तो उससे मैं बहुत इंस्पिरेशन लिखता हूँ। इनफैक्ट मेरा गाना जो ब्लू आइज था वो मैंने लिखा ही चमकीला जी के गाने के रेफरेंस से लिया था, अखा बिल्लियाँ ते गला गोल मोलनी। तो आई थिंक यू शुड वेयर व्हाट यू फील। भाजी आप बड़ी जल्दी गाना बना लेते हो यार, बड़े ब्लेस्ड हो आप। कोशिश रहती है। कभी किसी लिरिसिस्ट ने कहा कि मैंने यार एक रैप लिखा, दो महीने लिखे, आपने दो मिनट में फटाफट गा भी दिया? नहीं, मेरे साथ एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है कि वो गाना चला नहीं था, लेकिन मुझे विशाल भरद्वाज जी ने फ़ोन करके बुलाया कि हमने गाना करना है साथ में। मैंने कहा सर ठीक है। तो उनकी फिल्म थी वो डेढ़ इश्क किया, तो उनका यूपी का कैरेक्टर है दोनों का, मामू का और भांजे का। तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं बहुत तैयार हो गया, इतना एक्साइटेड कि गुलजार साहब लिखेंगे और मैंने गुलजार साहब की लिरिक्स में कुछ गाने का मौका मिलेगा। तो मैं जाते ही मैंने कहा गुलजार साहब का है? कहते वो तो पंचकुला में बैठे हैं। तो मैंने कहा लिखेगा कौन?
तो कहते आप बताओ कुछ स्क्रैच, तो वो लिखेंगे आराम से. तो मेरे हमारे दिल्ली में एक ओल्ड स्कूल लैंग्वेज चलती है पुराने दिल्ली में, वो यूपी की लैंग्वेज से सेम एक्सेंट है. अच्छा. तो मैंने एक पुरानी लाइन जो सुनी हुई थी ना, आ रही है ना जा रही है, साला खड़ा खड़ा मुस्करा रही है. तो गुलजार साहब ने उसको इतना बेहतरीन कर दिया, उन्होंने लिखा ना आ रही है ना जा रही है, रिवर्स में मुस्करा रही है. ओनली गुलजार सन कैन डू इट. आज तक सबसे फास्ट कौन सा गाना बनाया भाजी आपने? सबसे फास्ट आई थिंक देसी कलाकार बना था. पूरी एल्बम हमने 7 दिन में कंप्लीट करी थी. अच्छा. मिक्स मास्टर रिकॉर्डिंग म्यूजिक प्रोडक्शन एवरीथिंग इन 7 days. वाओ क्या बात है. अच्छा हनी सिंह को कभी किसी ने इस स्टाइल में नहीं देखा होगा, पर वही है कि म्यूजिक जो होता है उसकी तो कोई लैंग्वेज भी नहीं है यार. ये तो हिंदी सॉन्ग है. हम तो पता नहीं, जब हम लोग एक बार मैं और हनी पाजी ऐसे खड़े थे, हम लोगों ने पता नहीं कौन अरबिक गाने, मेरे को लगा मैं इनको सुनाता हूँ कि हनी सिंह को मैं इम्प्रेस करता हूँ. मैं कहा पाजी ये गाना सुना आपने? कहते इसके 4 वर्जन और हैं, मैं आपको सुनाता हूँ. पता नहीं क्या कहा, म्यूजिक इन्होंने सुना हुआ है. सो ऐसे ही नहीं, ₹100 की लाची 150 की हिंग सामने बैठते हैं दिव्या गुरु और हनी सिंह. ओए होए होए, जस्टिन बीबर की काम वाली. ये रैप किया इसने. गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तेरी मैं क्या तारीफ करूं, धुर फटे मुंह. गोरे गोरे गालों में पढ़ते हैं टोए, गोरे गोरे गालों में पढ़ते हैं टोए, चंदू की तो फेमस है. ओए होए होए होए. तो पाजी ये जो एक एल्बम बनाने में कितना टाइम लग जाता है? ओ हेलो. हाँ मैं इधर क्राइम पेट्रोल में थोड़ी परफॉर्म कर रहा हूँ. इधर आप बात सुन, तेरे बारे में मैंने एक बात सुनी है, सही है क्या? कहते रात को दूल सर्कल पे लड़की बन के खड़ा होता है. चलो मैं तो उधर लड़की बन के खड़ा होता हूँ, तुम उधर रात को क्या करने के लिए जाते हो? ये चेक करने मेरे, के लिए जाते मेरे उधर फ्लैट्स है, मैं किराया लेने जाता हूँ. ऐसे तो फिर मैं भी अपने फ्लैट का किराया निकालने के लिए उधर खड़ा रहता हूँ. ये मेरा इतना प्यारा दोस्त, मैं तो मतलब दिल से तो प्यार ही करता हूँ यार, तेरे को एक बात करनी है. गेट आउट. यार मेरी बात सुनो, कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर जाते हो? मुझे फेस किया करो तुम. अच्छा. मैं तुम्हारे मुंह की तरफ फेस करता हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि ये फेस को फेस करने के लिए मैं इतनी मेहनत करके मुंबई आया था. क्या बनके क्या आया तू? ऊपर से टी शर्ट, नीचे बच्चे की फ्रॉक पहन ली. मुझे क्यों लग रहा तेरा मुंह टेढ़ा लगा हुआ है? अच्छा कैप टेढ़ी है. मेरे को आज से तुमने नीट चंदू नहीं कहना, उसमें 30 ml तुमने जोजो भी डालना है. जोजो चंदू सिंगर. हनी भाजी मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ. मैं ना रैपर की दुनिया में कदम रखने के लिए जा रहा हूँ. तो जो तूने बैगिंग की दुनिया में कदम रखा था उसका क्या हुआ? गुरु बाजी पता चक्कर क्या है, आप अक्सर आते हैं नोरा जी के साथ, तो आज आप नोरा को साथ में लेकर नहीं आया, तो इसलिए ये बंदे की हालत थोड़ी खराब हो रही है, हम पे भड़क रहा है, तो आप प्लीज उनको साथ में ले आया करो. ठीक है बाजी, इसकी बातों को इग्नोर करो, इसने कोई सस्ती वैक्सीन लगवा ली है रोज. ये सस्ती महंगी कुछ नहीं होती, वैक्सीन वैक्सीन होती है. मुझे गेस्ट से बात करने दो, डोंट इंटरफेयर प्लीज. हनी भाजी. हाँ जी. मुझे एक बात बताइए, जो मैंने रैपर का लुक लिया है तो कैसा लग रहा है? क्योंकि US के मेरे शूज हैं. Wow. और UK का मेरा चश्मा है, और मुझसे जो स्मेल आ रही है, मतलब जो खुशबू आ रही है, और परफ्यूम मैंने फ्रांस का लगाया हुआ है. अच्छा. और चेन मेरी जर्मन की है. मुझे तो किसी जर्मन शेफर्ड की लग रही है. तो पाजी अल्लाह, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जर्मन शेफर्ड भी तो जर्मन का ही है, वो कौन सा मौके का है? वो मेरी बात सुनो, उसकी अपब्रिंगिंग इंडिया में हुई है, लेकिन उसमें जो इंजन लगा वो जर्मन का ही है. इंजन कौन सा लगा था कुत्ते में? इंजन नहीं लगा था? नहीं. तो फिर बंदे को देख स्टार्ट क्यों हो जाता? इससे ना कुत्ते बिल्लियों की बात जितनी मर्जी करा लो. उस दिन एक बिल्ली आई इसके घर में, एक गिलास दूध पी गई, इसने पकड़ के 1.5 गिलास निकाल लिया.
आप पता है बिल्ली नॉर्मली करती ना मैं आऊं, इसको देख कहती मैं ना आऊं। यार मेरी बात सुनो, तुम ये सब कुछ कैसे देख लेते हो? ये तो मैं बंद कमरे में करता हूँ सब कुछ। कैसे तुम टाइम निकाल लेते हो? मेरे तो प्राइवेसी खत्म हो गई लाइफ की सारी। खैर अपना यार जस्टिन बीबर की काम वाली। दिव्या जी भूषण भाई कैसे? भूषण जी तेरे भाई कहाँ से हो गए? तेरी अपनी बहन तुझे भाई नहीं मानती। ये आदमी रक्षाबंधन वाले दिन गया बहन के घर, उसने बेचारे ने 100 रुपए की मिठाई मंगवाई, 50 रुपए की राखी, इसको बांधी, 150 का खर्चा किया, ये 11 रुपए दे के बोलता है आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसने 9 रुपए और निकाले, इसके 11 में ऐड करके 20 इसको दिए, कहती रक्षा रहने दो, तुम रिक्शा करो और निकलो। ये भूषण भाई कैसे हैं? भाई जी देखिए मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ लेकिन ये मुझे करने नहीं देता, प्रॉब्लम बहुत है। गुब्बारा फुला के बड़ा तेरे से होता नहीं है, क्या बड़ा करना चाहता है क्या? आप बोलो कपिल शर्मा। मैं क्या बोलूं, तुम बोलो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। ये सर मेरा वो स्टार्टअप था, अब मैं ये काम नहीं करता। मैंने उस दिन मुझे कहा था मैंने ना बच्चों की कैंडीज का काम शुरू किया है, मैंने देखा तो साइकिल पे बुड्ढी के बाल बेच रहा है। साइकिल पंक्चर हो गया तो कहता मेरे ना बिजनेस में क्राइसिस आ गया है। तो वो तो शुगर है मैंने इससे पंचर लगवा ले, नहीं तो इसका बिजनेस भी क्राइसिस में था। गुरु भाई तेरी टांग ना ऊपर रखने की वजह से दूसरी टांग से टूट जानी है। यार प्लीज गुरु भाई मैं ना अपनी एल्बम में ना एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट को लेना चाहता हूँ। अच्छा। उसके साथ आपने भी गाना किया हुआ है। अच्छा। वो क्या नाम उसका? पेटबुल। पेटबुल नहीं बे, पिटबुल होता है वो। यार आप तो मुझसे कौन से बड़ा कर देते हो? चैन तेरी खुल गई है। ये देख लो। दो मेरे को, मैं तुम बात करो। दूसरी भी खोल रही। तुम मुझे खा गए पर बनने दोगे? क्या? चलो तुम्हें घुमा के लाऊं। हंसते बड़ी अजीब अजीब करता है। उस दिन एक बंदा कुत्तों को बिस्कुट डाल रहा था, उसके बाद जाके कहता कब तक बेजुबानों की हेल्प करते रहोगे, कभी बेगैरतों की भी करो। खैर दिव्या जी आप मुझे बस अब म्यूजिक वीडियो ना उसमें लॉन्च कर दीजिए बस। तू पहले लंच कर, भूखे पेट रहता ना तो ऐसी ऐसी बातें करता है। बड़े लोग आए तो क्या म्यूजिक वीडियो मांग रहा है? फिल्म मांग उनसे। कोई फिल्म तो आजकल कोई भी कर रहा है। कोई भी क्या मतलब? मैंने म्यूजिक वीडियो करना जी, और म्यूजिक वीडियो करना एक बड़ा फायदा है। क्या? देखो फिल्म आप 2 घंटे की फिल्म करते हो सिर्फ, और 40-45 दिन शूट चलता रहता है। म्यूजिक वीडियो तो 2-3 दिन में शूटिंग फ्री हो जाती है ना? जी जी। तो आपके पास इतने बड़े स्टार्स बैठे हैं, आप लिखवा लो, बनवा लो गाना। तो हनी भाई आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कीजिए थोड़ा, कि मैं जो पहला ट्रैक कर रहा हूँ उसमें मैं सिंगल करूँ या ड्यूट करूँ? ये ट्रैक व्रैक छोड़, रेलवे ट्रैक पर दादा बैठा उसको उठा, रेल आने वाली है। इधर आर्ट की बातें चल रही हैं कपूर शर्मा, क्यों मेरे दादे को बीच में कुछ? आर्ट को तो बड़ा समझता है ये। उस दिन तंदूर वाले के पास चला गया, कहता है ये क्या रोटियां लगा रहे हो, इसको नीचे से भी कटवाओ, दोनों तरफ चमड़ा लगाओ, इसका ढोल बनाओ। और उसको इसकी बात इतनी पसंद आई ना तंदूर वाले को, उसने ऐसे ऐसे करके मतलब अप्रिशिएट किया, इसके मुंह पे लच्छा पराठा लगाया। मैंने उसको बोला था लच्छा पराठा लगा दो, उसने ऐसे लगा दिया मुंह पे। वो गुस्सा थोड़ी था मुझसे? गुस्सा नहीं था, तेरी छाती पे तरी क्यों फेंकी उसने? तो लच्छा पराठा मैं क्या सूखा खाऊं फिर? कपिल शर्मा यार कैसी बातें कर रहे हो आप? ना मेरी बात सुनो, नोरा भाई का नंबर, एक तो ना ये आदत है जाती नहीं इसकी, मेरी बात सुनो, ये तेरा जेस्चर मिल नहीं रहा। आप मेरी बात सुनो, ये होता है आप मेरी बात सुनो। अच्छा मैं देखता हूँ, जो भगवान जिसको जो टैलेंट देता है उसकी उसको कदर नहीं होती। रैपर बनने चला है, पर मैं दिल से बोलूं बाजी इसका जो टैलेंट है, देखा जोरदार तालियां, टैलेंट की बात कर रहा है। नहीं नहीं मजाक नहीं है, मुझे पता था बाजी ये तो रैपर बनने पे भाग रहा है, नहीं तो आप इसके हाथ के कड़ी चावल खाओ। कसम से दलेर भाई जब भी बॉम्बे आते हैं इससे मसाज कराते, पैर बड़े अच्छे दबाता है। तो गुरु दक्षिणा नाम की भी कोई चीज होती है, मैं उनको गुरु मानता हूँ। लोग कैश देते गुरु दक्षिणा, मैं पांव दबा देता हूँ। इसमें कौन सी बात है? कड़ी चावल बनाना कोई बुरी बात होती है? कुकिंग इज माई हॉबी, मैं छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढता रहता हूँ। ये तो है छोटी छोटी बातों में। कोई आधा किलो आम खरीद लेना उसके घर चला जाता है, चलो बधाई दे के आते हैं।
वो भी राम की उसके गुटलियां दे देते हैं, कहते ढूंढो छोटी छोटी बातों में खुशियां। कपिल शर्मा प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। गुरु पाजी, हनी पाजी, दिव्या जी, अभी मैं कड़ी चावल सच में बनाकर लेकर आ रहा हूँ, आपने जाना नहीं, खाकर जाना, ठीक है? पहले तो पेंट में टांगे डलवा। भाई वो मैंने तो सुना था इंडिया में सबको वैक्सीन लग चुकी है, है? इसको डायपर लगने लगी? नहीं पाजी, मैंने टांगों में टांगों से थोड़ी ऊपर लगवाई है। ओके जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। हनी पाजी, आप ये सीजन में पहली बार आए हो जी, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं, वीडियो नीचे ना लोगों के कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, तो आइए कुछ कमेंट्स आपको दिखाता हूँ, दिखाइए प्लीज। ये गुरु ने फोटो डाला विद माय फेवरेट रेमो डिसूजा सर, थैंक्स फॉर द अमेजिंग वीडियो, कांट वेट टू शूट विद यू नेक्स्ट। बड़ी मजेदार फोटो है, नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। ये दोनों नोरा का डांस देखकर भूल गए कि खुद भी सेलिब्रिटी है। ओ रेमो भाई तो ऐसे लग रहा है जैसे ही पुलिस आएगी ताश के पत्ते समेट के भागेंगे। और दिखाइए, ये कहां से फोटो ले आए हो? वैलेंटाइन डे पे पत्थरों के पीछे दूसरों को प्यार करते देख अपनी किस्मत पे रोते हुए। और दिखाइए यार, रेमो सर हैड एन अमेजिंग म्यूजिकल मीटिंग विद द लेजेंडरी मनोज तिवाड़ी MPG। हाँ जी, कमेंट्स दिखाइए। खतरनाक आने वाला को। इन दोनों के अंगूठे देख के लग रहा है आज पीने का प्रोग्राम। व्हाट ए कॉम्बिनेशन, वोदका के साथ लिट्टी चोखा। यो यो विद रिंकिया के पापा, अब ये दोनों ही हंस देंगे। दिखाइए और कमेंट्स दिखाइए। हाउ क्यूट इज दिस स्टेशन मास्टर। अच्छा, ऐसे लोकेशंस लड़कियों को ही मिलती हैं। हैरी पॉटर ठीक है, लिखा हुआ हॉग्सवॉट एक्सप्रेस ना, या हैरी पॉटर। वो हैरी पॉटर की, इट्स अ हैरी पॉटर वर्ल्ड दिस। अच्छा, हमारा शक्तिमान वर्ल्ड था, सॉरी। आपको ज्यादा पता, आप ट्रेन में सफर करती रहती हैं। अबे प्लेन में बैठकर यहां जाना पड़ता है। अच्छा हां, दिखाइए कमेंट्स दिखाइए जरा। अब दिखाएंगे। जब तक बिना टिकट के नहीं पकड़ता तब तक स्टेशन मास्टर क्यूट ही लगता है। ये स्टेशन मास्टर हेडफोन लगा के टीसीएस के गाने सुन रहा है क्या? हेडफोन नहीं, उसके बाल हैं। ट्रेन के आगे क्यों आई हो, सरकार से आपकी भी कुछ मांगे हैं? किसी ने रिप्लाई लिखा, इनकी एक मांग थी जो भूषण जी ने भर दी। अब देख लो क्या चल रहा है भाई। और दिखाइए। My God. Happy wedding season. वाह, घोड़ी का ये प्रोफाइल ठीक आता होगा ना, उसने ऐसे फोटो चाहिए। दिखाइए कमेंट। अच्छा हुआ आपने घोड़ी पहले ढूंढ ली, वरना वेडिंग सीजन में लड़की तो मिल जाती, घोड़ी नहीं मिलती। गुरु दो पैक के बाद आज घोड़ी तेरा भाई चलाएगा। और दिखाइए। कैमो कैम कैमोफ्लाज वाइब। कैमो कैम। दिखाइए कमेंट्स। इट्स एन ओल्ड वन। या तो ये अपना फ्लैट नंबर भूल गए हैं या फ्लैट की चाबी भूल गए हैं। वैसे गमछे से याद आया, ढाबे पे मेन्यू बताने वाला बंदा भी किसी रैपर से कम नहीं होता। True. अभी अभी पोछा लगाया, किसी को ऊपर नहीं जाने दूंगा। और दिखाइए। यार ये क्या कमेंट। द गर्ल विद विंग्स, तेरी आंखों में हैशटैग आउट नाउ ऑन यूट्यूब टी सीरीज। लिपस्टिक वाली लड़की, लिपस्टिक वाली लड़की दिखाइए जरा। लिपस्टिक तो दिख ही नहीं रही, कम लगाती हूँ। नहीं वहां पे आपने लिखा है लिपस्टिक वाली लड़की, मुझे लिपस्टिक दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा कंधा नीचे करे। और दिखाइए। आप तो पंख लगा के परी लग रही हैं, मैंने लगाए थे मुर्गा लग रहा था। गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें, क्या पता ऐसी खूबसूरत परी उड़ के आपकी बालकनी में भी आ जाए। ओ यार। और दिखाइए।
Happy friendship day from me and my friends in summer. ये क्या है गुरु? आज तक हमने कभी ये कमेंट्स नहीं पढ़े खोलकर. आपने ढूंढ-ढूंढ के पढ़े हमारे इंस्टाग्राम से. नहीं चल रहा था कूलर, ऊपर छत पे था तो हम ऐसे ही. बड़ी देर बाद देखा, पंजाब में तो बहुत यूज करते थे हम. दिखाइए नीचे कमेंट्स. गर्मी में कूलर के आगे निक्कर सुखाते हुए. लगता है कूलर बड़ा महंगा, इसलिए खुद नीचे बैठे हैं और कूलर चेयर पे है. ये वही लोग होते हैं जो शादियों में कूलर की सारी हवा रोक लेते हैं. ऐसे लोग वेस्टर्न पे भी इंडियन स्टाइल में बैठते हैं. और दिखाइए. अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, चेंज योर क्लॉक आई चेंज माइन, वर्कआउट एंड वर्क इट आउट. वाओ. दिखाइए कमेंट्स. फिरौती की रकम जिसने मंगवाई थी वो इनकी बॉडी देख के डर गया. कोई इनको बताओ बस के लिए थोड़ा आगे रोड तक चलना होगा. जब मैडम बोले जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है वो पिकनिक में नहीं जा सकते. और दिखाइए. फिरौती की रकम. जब पिताजी बोले या तो गाली देना छोड़ दो या घर छोड़ दो. चलो गाइस, आंटी ने पुलिस बुला ली है तो जाना पड़ेगा. और आगे दिखाइए. हनी पाजी, हमारी ऑडियंस में से किसी की फरमाइश थी कि आप रैप तो बड़ा अच्छा बना लेते हैं, किसी भी टॉपिक पे बना लेते हैं जी. अगर आपको अपने घर में पिज्जा ऑर्डर करना हो और साथ में उसको बताना कि ये टॉपिंग्स ऊपर डालना, लेकिन रैप स्टाइल में. वाओ. कुछ ऐसे ही फन. मेन्यू होना चाहिए ना उसके लिए. ये मेन्यू मैं आपको दे रहा हूँ. मशरूम्स, अनियन, पनीर, सॉसेज, एक्स्ट्रा चीज, हैंड टोस्टेड पेपरोनी, मैं तेरा हनी, चीज बस्ट, कर मुझ पे ट्रस्ट, डाल तू बारबेक्यू सॉस क्योंकि मैं हूँ तेरा बॉस. बारबेक्यू सॉस क्योंकि मैं हूँ तेरा बॉस. पिज्जा तो ऑर्डर कर दिया, कोई लेके नहीं आया. भूख लग गई. कितनी क्यूट है आप दिव्या जी. कैसे आप? हाय, नमस्ते. अरे हनी पाजी कैसे? वेलकम. क्या बात है, आज म्यूजिक इंडस्ट्री के तीन दिग्गज लोग आए हमारे शो पे. क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए. दिव्या जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, वेरी नाइस. क्या गाने आप लोग के, आपके गाने में आते ना पार्टी 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 पार्टी. तीन चार बार सुनो ना चखना खाने को मन करता है, मैं सच्ची बोलती हूँ. और हनी पाजी तो कमाल के शेफ भी है ना कप्पू. ये कहाँ से शेफ है? अरे तूने सुना नहीं, उन्होंने खुद कहा है कोकोनट में लस्सी मिला के. मतलब कोई भी शेफ ऐसा कॉम्बिनेशन सोच ही नहीं सकता, कोकोनट में लस्सी. सर कमाल, ये बात तो है. फिर खैर सच्ची में मैं आप तीनों की बहुत बड़ी फैन हूँ. पता आप उस दिन कुमार शानुद्दीन राय अलका जी आए थे, उनको भी ये बोल रही थी. तो क्या हुआ, मेरी बात कोई ओटीपी है क्या? जो एक बार यूज कर लिया तो मैं दोबारा नहीं यूज कर सकती, ऐसा थोड़ी हो सकता. खैर सर, आप लोग दोनों पंजाब से है ना? हाँ, तो आप लोगों ने तो वो कहावत सुना रहेगा ना, वो लोग बोलते हैं ना ऐसा कि पंजाब का हर दूसरा आदमी सिंगर रहता है. लेकिन आज मैं आप लोग को बताएगी कि पहला आदमी क्या करता रहता है. पहला आदमी क्या करता है? कुछ नहीं, वो सिंगिंग के लिए ऑडिशन देते रहते हैं. और क्या, और ऑडिशन भी देता है तो किधर देता है. क्या बात है, दिव्या जी की कंपनी और दिव्या जी के लिए जोरदार ताली. क्या बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. दिव्या जी, दिव्या जी बहुत बड़े सेलिब्रिटी है मालूम है. इनको बस का टिकट भी नहीं लगता. क्यों? क्योंकि ट्रेवल ही नहीं करते ना बस में, तो टिकट कहाँ से लगे. ये भी वो बड़े लोग हैं, उनके पास बड़ा बड़ा गाड़ी है. आपको पता है मेरे को भी बस का टिकट नहीं लगता है. तू भी गाड़ी से आती है? नहीं, पास है ना मेरे पास. क्या बात करता है. तेरे को मालूम है अर्चना जी को भी टिकट नहीं लगता है. इनका क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये यूएसए नहीं जा रही ना. मैं दिव्या जी की बात कर रही थी. मेरे को दिव्या जी आप बहुत अच्छे लगते हैं. मेरे आपका एल्बम देखा था वो ऐसा बारिश में, मेरे को बहुत अच्छा लगा. तेरे को मालूम है कप्पू, मैं ना दिव्या जी जैसा मैं बनना चाहती हूँ. देख तू पहले उनको देख, उनको ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया. तेरे को पता नहीं किसने बनाया, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा.
कौन जिम्मेदारी नहीं ले रहा? मेरा बाप आलू छीलने के लिए पैदा हुआ है? नहीं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ, मेरा बाप आलू छीलने के लिए पैदा हुआ है। हाँ हाँ सच्ची में मेरा बाप ना समोसे बनाता है हनी जी। हाँ, एक नंबर का येड़ा, आपको मालूम है वो क्या करता है? ऐसे वो ऐसे समोसे बनाता है, तीखे नुकीले जैसे रहते ना, नुकीले नुकीले ऐसे समोसे बनाता है कि लोग आते हैं वही समोसा हम लोग को दिखाते हैं और दो समोसा लेके भाग जाते हैं। मैंने जब हम तुम्हें बुलाते ही नहीं, तू इधर आती क्यों है? एक बात बताऊं तेरे को, जलंधर से जब हरियाणा जाओ तो बीच में भटिंडा आने से कोई रोक सकता है? ऐसे ही मेरे को भी इधर आने से कोई भी नहीं रोक सकता, मैं इधर आऊंगी क्योंकि मैं सबकी फैन हूं ना, मैं सबको लाइक करती हूँ। गुरुजी आपको भी बहुत लाइक करती हूँ मैं। आप जो गाना गाते हो ना वो गाना कोई और गा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिव्या जी केस कर देंगी ना, सारे राइट्स तो उनके पास है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बहुत अच्छा हुआ आप इस एरा में पैदा हुए हो। क्यों? वो पुराने राजा रानी के एरा में पैदा नहीं हुए, वरना जितने राजा लोग होते ना वो इन पे बहुत भड़कते। क्यों? इनके गाने देख लो, नाच मेरी रानी, डांस मेरी रानी, बन जा तू मेरी रानी, राजा लोग भड़के नहीं, हमारी रानियों को नचा रहे। कप्पू जो भी है वो इन पे भड़के या ना भड़के, मेरा मूड बहुत खराब है आज। क्यों? अच्छी बात है ना, जोड़ी बन गई, मुंह तो तेरा पहले खराब था, मूड भी खराब हो गया तो सही है। तेरे को पता है जितना तेरा मुंह नॉर्मल छोटे घोड़े का इतना बड़ा मुंह होता है। क्यों मूड खराब है तेरा? छोटा घोड़ा। मेरा मूड बहुत खराब है, आपको पता है मेरा छावा है ना मुकेश, उसके डैडी हॉस्पिटल में है, आप मेरे छावे को कोई काम दे दो ना, अगर है। नहीं सच्ची में वो आपके घर पे आके आपके सुअर भी धो देगा। इनके पास सुअर कहाँ से आ गए? तो क्यों आएंगे? आप लोग तो पैसे वाले लोग हो ना, तो सुअर का तो आप लोग के पास सुअर नहीं है? ये क्या बात हुई? अरे सुअर लेना चाहिए, बहुत क्यूट एनिमल रहते हैं, आपने देखा पिंक कलर के? अभी कुत्ते लोग देखो, कुत्ते कंफ्यूज बहुत करते हैं। वो क्या कहते हैं, अपनी गली में हर कुत्ता शेर होता है, लेकिन सुअर अपनी गली में सुअर ही होता है। हाँ यार, बल्कि वो दूसरी गली में जाए तो भी सुअर रहता है, तीसरी गली में जाए तो भी सुअर रहता है वो। तो सुअर बहुत अच्छा ऐसे काम नहीं तेरे को मिलेगा ये जो तू सुअरों की बातें करने लगी है। म्यूजिक की नॉलेज है तेरे को कोई, या तेरे छावे को कोई? हाँ है ना, मेरे छावे को म्यूजिक का नॉलेज है। उसने क्या वो डीजे का कोर्स किया है और वो ढाबे में काम करता है। ढाबे पे कौन डीजे बजाता है? अरे वो डोसा बनाता है ना ऐसे। डोसा बनाते की आवाज कहाँ से आती है? बाद में बर्तन भी तो धोता है ऐसा करके। खैर अगर चलो आपको मेरे छावे को काम नहीं देना है तो मेरे को आप काम दो। अरे दिव्या जी मेरे को आप ही को मिलना था, मेरा 50 मिलियन फॉलोअर है। चल झूठी, तेरे को 10-15 लोग ही फॉलो करते हैं। हाँ वो तो ऐसा बीच में लिखा रहता है ना, वो साइड में जो फॉलोइंग रहता है ना उसमें 50 मिलियन है मेरा। वो तू फॉलो करती है उनको, 50 मिलियन लोगों को, 50 मिलियन को फॉलो। अच्छा तभी मैं सोचूं मेरे को लाइक्स क्यों नहीं आते यार। खैर कोई बात नहीं, दिव्या जी आप लोग तो इतने गाने बनाते रहते तो थोड़ा हमारे हेल्प करो ना। तो इन्हीं के गाने हैं जो राइट्स आपके पास है ना, उसका हम लोग भोजपुरी वर्जन बना रहे हैं, तो मैं चाहती इसमें आपका थोड़ा पैसा लगे। हनी पाजी आपका गाना आया था ना ब्लू आईज हिप्नोटाइज करती मैनू, उसका हम लोग भोजपुरी वर्जन बना रहे हैं। क्या? भैया को दे के सरप्राइज, देवर भौजी को करे हिप्नोटाइज। ऐसा करके उसका भोजपुरी वर्जन है। मजा नहीं आया? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं क्या बोलते हैं आप लोग को मसाज देती है। अच्छा। तो हमारे पास एक मसाज है, डोंट वरी कुछ नहीं होगा मसाज। अच्छा इसमें क्या होता है? डोंट वरी कुछ नहीं होगा बोला ना। फिर मैं अभी चलती है। ओके अच्छा आज बड़े लोगों की फरमाइश थी, आज हनी और गुरु आ रहे हैं और टैलेंटेड ऑडियंस हमारे यहाँ पे बहुत आती है, तो कुछ थे मेरे भाई बंधु जो कह रहे थे कि हम रैप करना चाहते हैं। जी जी भाई साहब।
ऑथेंटिक रैप करेंगे, लिखा भी हुआ है। हेलो कपिल सर। हेलो जी, क्या हाल है? बस ठीक। क्या नाम है आपका? जॉर्डन सिंह। अच्छा जी, जॉर्डन जी कहाँ से आए आप? मैं जम्मू से आया हूँ। अरे वाह, है जॉर्डन और आए जम्मू से हुआ है। जी जॉर्डन, तो मैंने एक रैप लिखा हुआ है, लाइंस कुछ है। अच्छा जी, तो रोका नहीं किसी ने? नहीं नहीं, मजाक करो जी। ना जामी मैनू छड़ के, ना जामी मेरे नाल लड़के, जिने लब्बे साले निकले चोर, पर तेरे जे कदे लब्बनी नहीं होर, मैनू नहीं पता तेरे दिल विच की मैं या ओ या कोई भी नहीं, जिना करदा सी तेनू दिल तू प्यार, लब्बना तेनू किसे कोल भी नहीं, पीछे पीछे भज तेरी गली विच आया, लिखिया सी खत जड़ा नहरा विच पाया, दिख नहीं सकी मेरे पैरां दे छाले, बूट सी अरू एडिडास दा पाया, तू अपना प्यार मैनू कदे भी नहीं दिता, तेरी याद विच कदी मारिया नहीं चिटा, लबया तेरा लबया नहीं कोई पता, पर तू कर सकदी सी मेरा पता, प्यार दे मामले च बड़ा मैं गरीब, रब ने दिता मैनू इहो नसीब, आंदा सी तेरे कोल कदी आए नहीं करीब, प्यार दे मामले च बड़ा मैं गरीब, ना जामी मैनू छड़ के, ना जामी मेरे नाल लड़के, जिने लबे साले निकले चोर, पर तेरे जे कदी लबनी नहीं हो। ये चीजें जो ना आज का जो यूथ है जो खुद लिखने लगे, आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, और ये हनी सिंह की देन है बेसिकली। नहीं, 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 कि जब से इन्होंने ये कल्चर इंडिया में शुरू किया है, अपने गाने, अपने लिखे हुए रैप, तो ये भाजी ये नतीजा है। देखो आप सर, हाथ मिलाना चाहता हूँ सर आपसे। आओ जी, आओ जब भी आओ यार। Yo Yo Honey Singh, Chupo Mera Jordan Singh। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। ये क्या किया आपने माइक पे? माइक टेस्ट कर रही थी मैं। ऐसे चेक करते मैं। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सृष्टि सिन्हा है और मैं पटना से आई हूँ बिहार। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सृष्टि, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिंगर हूँ। आपके वो अंदाज से पता चल गया जो आपने स्केल रखा ना। हाँ, मैं सिंगर पटना से आई हूं। मैं सिंगर हूं। ज्यादा जोर नहीं लगाते, मैंने देखा जो सिंगर अपने वोकल का बड़ा ध्यान रखते हैं। जी बताइए। सर मैं चाहती हूँ कि हनी सर का जो गाना है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हाँ, हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार सर के साथ वो गाऊं। पूछ लीजिए सर से। इस गाने की कहानी बताना चाहूंगा मैं आपको। जी वो 2015 की बात है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा था 2 साल, मैंने अपने लैपटॉप तक को हाथ नहीं लगाया था, और मैं बिल्कुल म्यूजिक से दूर था, बायपोलर डिसऑर्डर से मैं लड़ रहा था, और घर पे ही रहता था मैं। 1.5 साल अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था, और लोग घर पे आते थे और मैं डर जाता था, मिलता नहीं था। तो भूषण भैया घर पे आए उस वक्त, उन्होंने मम्मी को बोला कि आप इसको म्यूज़िक पे लेकर आओ, ये तब ठीक होगा। तो भूषण भैया को मैंने प्रॉमिस किया था कि भूषण भैया के फादर गुलशन जी का फेवरेट सॉन्ग था धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। तो मैंने जब मैं बेहतर था तब मैंने उनको बोला था मैं इस गाने को रीमेक करूँगा, तो भूषण भैया ने बोला मम्मी को कि इसको बोलो कि ये गाने को रीमेक करे। तो मैंने उस गाने पे काम किया और तब ये गाना लिखा बीमारी में। आज मैं इसको गाता हूँ, लोग खुश होते हैं इस गाने को देख के, लेकिन मुझे याद है गाना मैंने कैसे लिखा था। हाँ। और इसका लास्ट वर्ड्स मम्मी ने लिखा था मेरी। वाओ, दिस सॉन्ग इज वेरी स्पेशल। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम आइए। हेलो कपिल। हाँ जी नमस्कार मैम। आई लव यू। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर योर लव, लव यू टू मैम। यू आर लुक जस्ट लाइक माय सन। ओह थैंक यू मैम। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा आप प्रिंसिपल हैं कहीं की। ओह थैंक यू। आप सच्ची में हैं टीचर? यस रिटायर्ड। रिटायर्ड रिटायर्ड। देखो देखा ये। सीरियसली क्या आप मजाक कर रही हैं? यार नहीं रियली। मैं कहीं ज्योतिषी तो नहीं? मैं कहीं भविष्य बताना शुरू करूं मैं? वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। you, और आपने कितने प्यार से मुझे ऐसा बोला आपने। मैं एक सवाल हनी सिंह जी से करना चाहती हूँ। वैसे तो दिव्या यू आर लुकिंग अमेजिंग, यू आर लुकिंग जलपरी। थैंक यू। देखो मैंने झूठ बोला था आपने। मैं हूँ, मेरे में कोई है, यही बोला था, दैवी शक्ति है मेरे में। गुरु आपकी आवाज तो धांसू, आपने जैसे गुरु जी लिए हैं साथ हैं तो माशाल्लाह। मगर मैं आज हनी सिंह जी से एक बात पूछना चाहूंगी। हनी सिंह जी, एक आपका गाना है आंटी पुलिस बुला लेगी, तो वैसे क्या प्रॉब्लम हुई थी कभी जो आपने गाना बनाया था? ये बहुत बार हुई, हम लोग दिल्ली में रहते थे तो घर साथ में सारे जुड़े रहते हैं। हाँ जी। मुझे घर पे म्यूजिक बनाना अलाउड नहीं होता रहा, तो मैं इंतजार करता रहा कि मम्मी पापा घर से बाहर जाए। तो पापा ने शुरू से लेके हमें म्यूजिक में बहुत प्रमोट किया, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा म्यूजिक में प्रमोट किया, लेकिन पापा ने जब ये देखा कि मैं म्यूजिक बनाने लग रहा हूँ
तो वो उसकी चीज के खिलाफ हो गए कि अगर ये करेगा तो पैसा कैसे कमाएगा और घर बार कैसे बनाएगा. लेकिन मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. तो मेरा इंतजार होता रहा कि किसी दिन मम्मी पापा घर से बाहर जाएं और घर पे पार्टी हो. तो घर पे पार्टी होती थी तो हमेशा साथ वाली आंटी हमारी बंसल आंटी वो पुलिस बुला लेती थी. मगर मैं हनी सिंह जी आज एक बात कहना चाहूंगी, ये वाली आंटी पुलिस बुलाने वाली नहीं है. अच्छा, डिजाइनर सॉन्ग के जो डायरेक्टर मेहर गुलाटी साहब यहाँ पे मौजूद है, मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आइए. आइए भाजी. ओहो भाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ा खूबसूरत गाना बनाया आपने, डायरेक्ट किया है. जोरदार तालियां गुलाटी साहब के लिए. गुलाटी साहब, एक आपके बारे में बात सुनी कि जब ये वीडियो की डील हो रही थी तो आपने भूषण जी से कहा कि म्यूजिक लॉन्च पे मुझे बुलाओ ना बुलाओ, लेकिन इनके साथ कपिल शर्मा शो पे मैं जाऊंगा जाऊंगा. ये बात सही है? बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. मेरा स्टाइलिस्ट, मेरा ट्रेनर, मेरा भाई उमेश, मेरा भाई रोहित भाई, सब आए दिल्ली से. क्या बात है, वेलकम वेलकम दोस्तों. ये अपने सगे चाचा के घर नहीं जाते. सगे चाचा के घर नहीं पर आपकी कुंडली चेक कराना बिल्कुल सही होगी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाते. मैं तो US निकलने वाला हूँ फिर आपको यही मिलती. अच्छा, जब मैं जाऊंगा आपने शटर को ताला मार के चाबी गमले के नीचे रखनी. मैं भी शायद पीछे पीछे आ जाऊं तेरे. अच्छा, ये डिजाइनर जब आपने शूट किया तो शूट करने के बाद जब एडिट की बारी आई तो एडिटर के पास गए कि टेलर के पास? जी हमारा जो एडिटर है वो टेलर टाइप ही है, बहुत अच्छा काटता है सब कुछ. अच्छा जी. हाँ, बिल्कुल टिका के एकदम. बड़ा खूबसूरत गाना बाजी, बहुत मुबारक आपको. थैंक यू सो मच. आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी है. और आज मैं आपको एक ऐसी उदाहरण देता हूँ बाजी, आप भी जानते हैं उनको, एक ऐसा शख्स जिन्होंने इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी रील्स बनानी शुरू की, खूबसूरत गाने, बड़ी खूबसूरत आवाज़ भी उनकी. और बस ऐसे ही हमारी मुलाकात होगी आज, उनको हमने अपने शो में आमंत्रित किया है. उनका नाम है मिस्टर यासिर हुसैन. यासिर यहाँ पे मौजूद है. यासिर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. यासिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. सबसे पहले तो कपिल भाजी तहे दिल तो शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया. ऐसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, किसी गरीब का उदार हो जाए ना तो बड़ा खुश होता है. तो वैसे ही बहुत आप इतना टैलेंट है यार आपने. बेसिकली हुआ कि अर्चना जी, अभी मेरा जन्मदिन था, हम लोग हिमाचल में थे. हाँ. तो अपने जस्सी पाजी, उन्होंने मुझे यासिर से मिलवाया और फिर बस हमें प्यार हो गया इनसे, क्योंकि ये इतना खूबसूरत गाते हैं और इतने प्यारे इंसान भी हैं. इनके साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां. यासिर पाजी, द स्टेज इज ऑल योर्स. जो आपका मन करे, और जो पहला टप्पा आपने पहली बार इंस्टाग्राम पे डाला था वो भी जरूर सुनाइएगा, काले कपड़े पाए हुए. जरूर प्लीज. थैंक यू बाबा. सोशल मीडिया का अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे ऐसे फनकार भी आ सकते हैं. लेकिन जो सबसे खूबसूरत और प्यारी बात मुझे ये लगी कि हनी पाजी और गुरु दिव्या जी, दे ऑल आर सच बिग स्टार्स, और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ गा रहे हैं. ये आज ये कुदरती हुआ है कि यासिर आज आए हैं और आज कुदरती हनी पाजी, गुरु और दिव्या आज हमारे साथ हैं. सो यासिर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बड़ा मजा आया. आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हनी भाई, आपका भी, आपने भी साथ दिया. गुरु पाजी ऑलवेज सपोर्ट कर देने सारे बड़े भरा. थैंक यू सो मच अर्चना जी. थैंक यू बाबा. थैंक यू यासिर. थैंक यू, लव यू ब्रो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और एक बार जोरदार तालियां हो जाए हनी पाजी, गुरु रंधावा और दिव्या जी के लिए. गुरु, हनी पाजी, दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू मेहर गुलाटी साहब. और बड़ा ही खूबसूरत गाना बनाया आप सब ने, बड़ा खूबसूरत वीडियो बनाया, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. और आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने वाले प्रोजेक्ट के लिए भी हमें हम दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. और दोस्तों, पूरे देश में गर्मी का माहौल है, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है. आप सबसे अनुरोध है, अपने घरों के बाहर खिड़की पे, दरवाजे पे, छत पे, जहां पे आपको लगता है कि पक्षी आते हैं, उनके लिए पीने का पानी या कुछ दाना खाने के लिए जरूर रखें. और हो सके तो घरों में हो रहे पानी की वेस्टेज को जरूर रोकें, क्योंकि जल है तो कल है. गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू ऑल. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.